Hi Vijayavadi, welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I am here to help you with one common doubt, the biggest question of all times, how to prepare for CUET 2023 in a way that you get your dream college. So, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी ड्रीम कॉलेज की जर्नी तक आपको कैसे लेकर जाएगा एक करेक्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी CUET 2023 का. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज बताने वाली हूँ, चाहो तो नोट करके रख लो, काफी काम आने वाली हैं. जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को ताकि प्रेपरेशन और भी जल्दी हो सके. तो सबसे पहली चीज तो देखो ये है कि तुमने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को क्या कर लेना है, प्रायोरिटी से लेस इंपॉर्टेंट में लिस्ट कर लेना है. एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, तुम्हें बीटेक करनी है. अब तुम्हें बीटेक करनी है तो तुम जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहते हो, वहां पर पीसीएम जो है वो डोमेन में है इंपॉर्टेंट. अब ऐसे में तुमने डोमेन लिए हैं पांच सब्जेक्ट, मान लो पांच ऐसे सब्जेक्ट है जो तुमने डोमेन के अंदर लिए हुए हैं. तुमने पीसीएम भी ले रखी है, ठीक है, तो आपने ये तो लिया ही है, बायोलॉजी भी ऐड की हुई है, हो सकता है आपके पास ट्वेल्थ में थी, हो सकता है नहीं है, कंप्यूटर ऐड कर लिया है, मास मीडिया ऐड कर लिया है, या जो भी मान लो तुमने इसमें ऐड कर लिया है, पांच या छह डोमेन तुमने ले लिए हैं जो भी, ठीक है. अब ऐसे में तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें उस कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को क्रैक करना है, बीटेक को क्रैक करना है, तो पीसीएम के नंबर तो लगेंगे लगेंगे. कॉल अगर आपने यहाँ पर इस कॉलेज को लेना है, आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है, मेरा कंप्यूटर में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, चल जाएगा, पर पीसीएम में मेरा स्कोर अच्छा होना चाहिए. सिमिलरली बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने बोला है कि इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स वो देखेंगे. तो आपको पता है कि मुझे इंग्लिश के मार्क्स मेरे, जब भी मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूंगी, तब मुझे वो शो करने पड़ेंगे. तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा प्रायोरिटी क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मेरे को फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अच्छा, इसमें भी क्या है कि जैसे पीसीएम है, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, अभी आराम से एग्जाम लिखे हो, तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो. तुम्हें पता है इंग्लिश का सिलेबस नया है, तो मेरी प्रायोरिटी पहले इंग्लिश होनी चाहिए. जीटी लिख रहे हो तो तुम्हारी प्रायोरिटी जीटी भी होनी चाहिए. तो अपने हिसाब से आपके क्या, आपके पास में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से क्या कर लो, अपना प्रायोरिटी से लेस इंपॉर्टेंट का लिस्ट बना लो कि ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये जो है ये ठीक है, चल जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक होना चाहिए. नेक्स्ट, अब आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पे फोकस करना है. अब देखो यार, आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस लार्जली आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और आप कितनी चीजें याद कर सकते हो, समझ सकते हो, कितने केपेबल हो, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं. एंट्रेंस एग्जाम और सीबीएसई में बहुत डिफरेंस है. आप ये मत सोचो कि जैसे सीबीएसई के अंदर आप रट्टे लगाते हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर या कोई और बोर्ड के अंदर आप रट्टे लगा के जा रहे हो, बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हो, वहां पर बस वही आपको एंट्रेंस एग्जाम में करना है. फिर एंट्रेंस एग्जाम को ऑलरेडी पता है कि आप सच एंड सच बोर्ड से पास होकर आए हो, तो उन्हें नहीं, उनको नहीं जानना है कि आपने एकदम छोटे छोटे चीजें अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं लिखा, उन्हें पता है आपने वो क्लियर किया. उन्हें ये जानना है कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल नॉलेज को चेक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की. तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को धड़ाधड़ पढ़ने की बजाय कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर करने पे फोकस कीजिएगा. और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा पॉइंट है, आपको क्रिस्प नोट्स पे ही फोकस करना है, आपको क्रिस्प नोट्स ही बनाने हैं. ऐसे टाइम पर अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए हो, अलग स्टेट से हो, अलग बोर्ड से हो, तब डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी रहेगी. बट अगर आप सीबीएसई से हो तो आप पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ने पे मत लग जाओ. जो नोट्स आपने बोर्ड्स के टाइम पर बनाए थे, क्रिस्प नोट्स जो हैं, उन्हीं को आप इस्तेमाल यहाँ पर करो. और फोकस आपका केवल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे इसलिए क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आप जाते हो तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के अराउंड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं. एंड दैट इज वाई आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर अभी छोड़कर जा भी रहे हो तो एनीवे उसका क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसे छोड़ सकते हो, ऑप्शन में निकाल सकते हो. बट अगर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जितने अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए था वो नहीं किया,
आपने सारे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रही है तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए हर सब्जेक्ट की, उन पे फुल टू फोकस कीजिए। जो आपके लेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको आपने एक बार देख लिया, एक बार एमसीक्यू कर लिए, बात खत्म। आपको इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक तरीके से वे नहीं करना है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंपॉर्टेंट है तो उसे उतना भाव देना है ताकि अगर एग्जाम के अंदर वो आता है, कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, आप उसे आंसर कर सकते हो। जो लेस इंपॉर्टेंट है छोड़ के नहीं जाना है, एक बार कर लिया, आंखों से निकाल लिए नोट्स, एमसीक्यूज निकाल लिए, दैट्स इट। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है लेस कंजम्पशन और मोर प्रैक्टिस आपको सीयूईटी में मदद करेगा। सीयूईटी इज नॉट योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर अगेन। इसी वीडियो में 3 बार ऑलरेडी बोल चुकी हूं और अभी भी आपको ये चीज बता रही हूं। क्या होता है, हम कभी भी किसी एग्जाम में जाते हैं, हम कॉन्सेप्ट को पूरा ग्रैस्प करते हैं, खूब सारा पढ़ लेते हैं, एंड देन जाकर एकदम से एग्जाम के अंदर उल्टी करके आना है, पूरा सब कुछ जो भी याद है पूरा लिख के आना। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर यू हैव टू फोकस मोर ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट। इवन इफ आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जा रहे हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करके गए हो एंड यू डोंट नो कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, आपने ट्राई नहीं किए हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट को रटना समझना सब फेल है। तो यहाँ पे आपको फोकस ये करना चाहिए कि आपका टाइम कम आप एलोकेट कीजिए, आपके जो भी आपके पढ़ने वाला या कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने का समय है, ज्यादा टाइम आप किसको दीजिए, प्रैक्टिस को दीजिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कीजिए, हर क्वेश्चन जिनके अंदर आपको लगता है कि मैं अटक सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो अलग डिफिकल्टी लेवल के है सबको ट्राई कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी निकालिए। डरिए मत इस फैक्ट से कि ये तो, अरे ये तो जेई का है, ये तो कैसे करेंगे हम, नहीं ये नीट का है, ये तो नहीं होगा, सीए का पेपर है, नहीं हो पाएगा। अरे तुम्हें लगता है जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जहाँ पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं सबका एक बार ट्राई करो, क्योंकि अगर तुम ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम्स को सॉल्व करोगे तो तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल से अगर सीयूईटी का पेपर आपको आपको दिखेगा तो यू विल बी लाइक अरे क्या बच्चू पेपर। एग्जैक्टली जो स्ट्रैटेजी हमने क्लास 12th की इंग्लिश के अंदर अपनाई थी, प्रेपरेशन ऐसी करो कि पेपर लड्डू लगने लग जाए, है ना। तो वो प्रेपरेशन ऐसी करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन। क्या होता है कभी कभी हमारा माइंड जो होता है ना, हमारे माइंड को एक तरीके का क्वेश्चन अच्छा लगता है, उसका आंसर निकल जाता है तो वही वही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें ना उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें लगता है अरे यार हमने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए। आप वो मत कीजिएगा, यहाँ पर किसी को भी पागल बनाने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके कीजिए, ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो आपको चैलेंज करे, आपके कॉन्सेप्ट को चैलेंज करे। कॉलेज में जाने वाले हो तुम, ठीक है, तो कोशिश करो कि ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के जाओ। रिप्लेस ऑफलाइन टेस्ट विद ऑनलाइन एमसीक्यू क्विजेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर प्रॉपर एकदम ओएमआर शीट लेकर बैठ जाते हैं, प्रॉपर एक यू नो पेपर लेकर बैठ जाते हैं और उस पर सॉल्व करने लग जाते हैं। मैं ये कोशिश करने के लिए आपको बोलूँगी कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट तो दे ही रहे हो, जैसे कोई किताब हो गई, आपने उस किताब के अंदर से खूब सारे एमसीक्यूज लगा लिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी में आगे जा रहे हैं, अपने प्रेपरेशन में आगे जाते जा रहे हैं, उन्हें आपको रिप्लेस करना चाहिए ऑनलाइन एमसीक्यू क्विजेस से। क्यों? क्योंकि पेपर लगेगा सीबीटी फॉर्म में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा तो देखो पेपर को आप अगर मान लीजिए ऑफलाइन अप्रोच करते हो, आपके हाथ में पेपर है, ओएमआर भरते हो, उसकी एक अलग अप्रोच होती है। अगर आप ऑनलाइन, आपके सामने सिस्टम खुला हुआ है, उसमें आप वहीं पे सब कुछ रीड कर रहे हो, आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, आपको वहीं पे सब कुछ करना है, तो उसका अपना एक अलग अप्रोच है। अगर आप ये प्रेपरेशन करके जाओगे जिसमें आपके हाथ में पेपर दे रहे हैं एंड यू आर अंडरलाइनिंग एवरीथिंग एंड देन यू आर सर्कलिंग एंड सर्कलिंग थिंग्स, यहाँ पे प्रेपरेशन करते जा रहे हो और वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑनलाइन का सीबीटी मोड के अंदर पेपर देना है, डोंट यू थिंक इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू कि अरे यार ये तो मैं ऐसे प्रेपरेशन करके आया था। टाइम का भी काफी फर्क यहाँ पर पड़ जाएगा, सो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर डोमेन्स की बढ़िया तैयारी करनी है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लगाओ। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन सबसे बेस्ट चीज होती है अगर डोमेन्स की आपको तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो,
अभी अभी आपने पेपर दिया है, अपना 100% आप देके आए हो, गलतियों से इनफैक्ट सीख के आए हो, एकदम प्रिपेयर्ड हो, जितने ज्यादा हो सकते हैं एमसीक्यूज लगाओ उन कॉन्सेप्ट्स को, एकदम एकदम ऐसा है कि ठीक है अभी पैक कर दिया। दोस्ती करनी पड़ेगी मॉक पेपर से, मॉक पेपर से दोस्ती करनी पड़ेगी और टाइम के साथ में करनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जितने मॉक पेपर्स लगाऊंगा लगाऊंगी उतना ज्यादा मेरे लिए बेटर है। क्या होता है, हर कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज हम कर रहे होते हैं, वो हर कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू जो है कभी कभी हम लोग उसके साथ में अगेन सेटल हो जाते हैं, बढ़िया लग रहा है। आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे टैकल करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कैसे मैनेज करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 40 करने हैं, चॉइस कैसे मेक करते हो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको नेगेटिव मार्किंग दिमाग में रखनी है, तो कौन से तरीके के क्वेश्चन है जो मुझे जाने देने चाहिए, कौन से क्वेश्चन मुझे करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये जो एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छा तैयार बच्चा जो है उसे एकदम बौखला सकती है। सो इसके लिए आप ध्यान रखिए, खूब मॉक पेपर्स लगाइए और टाइम के साथ लगाइए कि अपने आप को टाइम कर लीजिए कि ठीक है 40 क्वेश्चन मेरे को करने हैं 50 में से, मेरे पास केवल 45 मिनट है तो 45 मिनट ही ले। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा गोल्डन टिप है वो ये है कि ये सब कुछ करते टाइम एक नोटबुक, एक अच्छी खासी नोटबुक आपके ईच सब्जेक्ट के लिए बना लीजिए। आप इसी नोटबुक के अंदर चाहो तो अपने नोट्स तैयार कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किए, चिपका सकते हो ऑलरेडी है तो, आगे अटैच कर सकते हो अगर आपके पास में है तो। इसी नोटबुक के अंदर आप अपने सारे आपके जितने भी प्रैक्टिस सेशंस है लगा लो, जितना भी प्रैक्टिस करना है इसके अंदर करो। यही नोटबुक के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो नए कॉन्सेप्ट के हैं उसे लिख लो। अरे तुमने क्वेश्चन करे नए कॉन्सेप्ट तुम्हें दिखे और तुम वो नया कॉन्सेप्ट भूल गए तो क्या क्वेश्चन करके किया, क्या फायदा हुआ उन क्वेश्चंस को करने का, तो नए कॉन्सेप्ट लिखो। तुम्हें लगता है कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, गलतियां हुई हैं, अभी गलतियां हुई हैं, एग्जाम में भी हो सकती है, उन गलतियों को नोट डाउन कर लो, यहाँ पे मेरी गलती हुई थी इसे ऐसे सही करना है। कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कुछ एक्स वाई जी क्वेश्चन को लेकर, एक्स वाई जी कॉन्सेप्ट को लेकर, अपने नोटबुक में लिख के रखो, फ्लैग करके रखो, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से उस डाउट को पूछवाओ, खत्म करो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम दिमाग के अंदर उसको रख नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ मिलता है। नोटबुक मेंटेन करना इज अ वेरी गुड थिंग और डाउट्स को रिजॉल्व करवाना बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप उसको इकट्ठा करते रहते हो और उसी पे से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये थी मेरी कुछ ऐसी टिप्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप CUET 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और फोड़ना चाहते हो CUET 2023 को। इसके साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अन अकेडमी के साथ में आप CUET की तैयारी कर सकते हो। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है एक बहुत ही कमाल का बैच जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। ये ब्रह्मास्त्र बैच जो है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रेपरेशन शुरू नहीं की है। मैं 28 मार्च से लेकर आ रही हूँ इस बैच को, 28 मार्च से हम शुरू करने वाले हैं। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ, रौनक सर और वरुण सर आपको GT पढ़ाने वाले हैं और शीतल मैम आपको स्टैटिक GK और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हैं। ये बैच आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि ये जो बैच है ये बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब पढ़ना शुरू कर रहे हो, 28 से बैच शुरू हो रहा है, ज्वाइन कर लो। ऐसा ही बैच हम साइंस के लिए भी लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर विशाल सर, भारत सर, मनोज सर, निकिता मैम आपको पढ़ाने वाली है। एग्जिस्टिंग बैच हमारे चल रहे हैं CUET चैंपियंस करके। ऑलरेडी अगर तुमने पहले से प्लस पे बैचेस ज्वाइन कर लिए हैं तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपने आप ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर आ जाओगे। एक बार अगर आप प्लस ले लेते हो तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। मैं आपको बता रही हूँ अभी एकदम सही समय इसके लिए भी है क्योंकि आपको मॉक पेपर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। ऑल राइट, इसके साथ में हमारा चैंपियंस बैच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी आपके लिए एकदम क्रैश कोर्स के लिए हम 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी लेके आए हैं क्योंकि 6 महीने का तो अब टाइम बचा नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और GT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वैसे इसका प्राइस क्या है, 2499 इसका प्राइस है। पर अगर आप SDC 18 लगा लेते हो तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अभी फटाफट से आ जाओ और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले डालो। अच्छा, इसके साथ में अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज GT के साथ में कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसका 3 महीने का प्राइस है 4000 रुपये। 4000 रुपये के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लैंग्वेज मिल जाएगा, GT मिल जाएगा, आपका डोमेन मिल जाएगा।
ये 4,000 और भी कम हो जाएंगे जब आप SDC18 अप्लाई कर दोगे, क्योंकि इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब मैं कह रही हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसी कोड से। सो मेक श्योर कि आप इसे फटाफट से अवेल कर लो। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक जल्द से जल्द पहुंच जाओ, और इस जर्नी के अंदर हम आपका साथ निभाएंगे, हम इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं आपको। एंड आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।